बनाए जाने की पूरी भरपूर उम्मीद है। अगर आप इनको एक मौका दे देंगे इंशाल्लाह हमारी पार्टी बरसे इख्तदार पार्टी है, हमारे बजट की कोई कमी नहीं। अगर आप दूसरे को जिताएंगे उसको बजट लाने में रियासत की हुकूमत नहीं देगी, उन्हें तड़पते रहेगा खाली उसके फंड में उन्हें टूकना क्या जीतना क्या बहुत कम हो जाएगा। लेकिन इख्तदार वाली जमात हमारी है, एमएलए हमारा है, एमपी हमारा है। अल्लाह ने कहा आप एक मौका दीजिए, एमपी का फंड भी लाएंगे, एमएलए का फंड भी लाएंगे, इंशाल्लाह यहाँ पर आपकी उनका फंड भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपने मौका दिया तो मैं ये समझूंगा कि आने वाले दिनों इस वार्ड के लिए बहुत सुनहरा सुनहरा दौर रहेगा। अगर इंशाल्लाह 100% 100% मैं आपको बता दूंगा इस इलाके से 100% चेयरमैन टीआरएस का होगा, याद रखना। कांग्रेस में तो हमारा मुकाबला करने का दम ही नहीं है, कई जगह इन्हें कैंडिडेट नहीं मिला। आप खुद देखे होंगे इस हलके के किसको टिकट दिया गया, आप सोचिए क्या मजबूत दावेदार है, क्या इस इलाके से हल ऐसे हालात है। बात जगह यूनानिमस टीआरएस के काउंसिलर जीत कर आए हैं। तो मैं आपको ये वादा दिलाता हूं हम भी हैदराबाद में इनके लिए लड़ेंगे, होम मिनिस्टरगंज भी जाएंगे, केटीआर साहब से भी ये कहेंगे कि अमित भाई जी क्या आए हैं, आपका वादा था आप वाइस चेयरमैन इनको बनाना है, वाइस चेयरमैन बना के लाएंगे, आप एक बार जिताइए। अगर उन्होंने वाइस चेयरमैन आपके इलाके को बन जाएंगे तो इस बल्दिया पे सबसे ज्यादा अगर किसी वार्ड का राब रहेगा तो आपके इलाके का राब रहेगा। आपको कोई ऑफिसर का ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हों अगर वाइस चेयरमैन बनेंगे तो इस हलके में इस आपके घर पर बुलाकर ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन देंगे, उनको जाकर पैरवी करने की जरूरत नहीं रहेगी। यहाँ पर ऑफिसर आएंगे, अगर आप आज अगर नहीं संभलेंगे, अगर आप आज इस बारे में नहीं सोचेंगे तो याद रखो हमारा जिक्र हमारा नामो निशान मिट जाएगा। याद रखो अगर हमारी एवानों में अगर कोई बोलने वाला रहेगा, हमारा नाम कारी रहेगा तो आपकी आवाज वहां पहुंचेगी। जो एनआरसी के मसले या सीए के मसले या एनपीआर के मसले है, इसको भी ऑफिसर किसके घर पे आएगा, आपके घर की इंक्वायरी करने आएगा तो ऐसे नुमाइंदों के घर पे आएगा। अगर एवान में अगर बोलने वालों को हम अगर भिजाएंगे, लड़ने वालों को अगर हम भिजाएंगे तो हमारी ही जीत होगी और हमारे ही मसाइल हल होंगे। और ये मौका आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, अगर क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम भी इनका एक साल का पीरियड था, उस दरमियान में ये चर्चा शुरू हो गया था कि भाई हैदराबाद में डिप्टी मेयर मुस्लिम को दिए, वारंगल में डिप्टी मेयर सिराज को दिए, हैदराबाद में बाबा फसीउद्दीन को दिए, ऐसा करीमनगर में वाइस चेयरमैन मुस्लिम को दिए, तो यहां पर भी ये चर्चा उठा था नारायणपेट से भी मुस्लिम को देना। लेकिन बाद में यह गुफ्तगु चली कि वक्त कम है, 6 महीने है, आइंदा आने वाली बार देंगे। तो अब जो टीआरएस से मुस्लिम जो भी उम्मीदवार ठहरे हैं, सबसे सीनियर उम्मीदवार, सबसे मजबूत दावेदार साबिक आमिरीन और काउंसलर रहे उम्मीदवार है, तो मैं ये समझूंगा मेरी खातिन बहने मेरी माए यहां पर बैठी है, आपकी ये जिम्मेदारी है, अपने एक एक वोट को महसूस कीजिए और इस दौर में खुसूसन ये मौका ऐसा मौका है जहां पर आपको अपना नाम को रखना है, ऐवान में हमारी आवाज को पैदा करना है। अगर आपकी आवाज पैदा होगी तो ऐवान को कौन चलाते, चेयरमैन चलाता, वाइस चेयरमैन चलाता। अगर ऐवान में अगर आप एक मुस्लिम कायद को भेजेंगे तो इंशाल्लाह उन्हें वाइस चेयरमैन भी बनेगा, नासिर बनेगा, आपके ऊपर आने वाली आज को अपने सीने पर लेगा, सबसे पहले खुद मुकाबला करेगा, आप तक आंच आने नहीं देगा। आप एक मौका दीजिए, मैं समझता हूं एमएलए साहब भी इनको बहुत चाहते हैं और उन्होंने भी भरपूर तरीके से पूरी आपके इलाके की मदद भी कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। मैं समझता हूं एक हमारे हरकियाती डायनामिक कायद केटीआर साहब है जो म्यूनिसिपल मिनिस्टर है, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्टर है, जो काउंसलर्स को पूरे अपने उसमें रखते हैं, एक डायनामिक आदमी है, एक हरकियाती नौजवान कायद है, इंशाल्लाह उनसे हमारे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं मैं आपको एक मिसाल बता देता हूं। तेलंगाना रियासत अलग होने के बाद केसीआर साहब ने सबसे पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब को बनाया, उसके बाद अगर नॉमिनेटेड ओहदा अगर किसी को दिया गया तो सबसे पहले मुझको दिया गया, सबसे पहले वक्फ बोर्ड का डायरेक्टर स्टेट का डायरेक्टर बना के मुझे भेजा गया, बाद में 8 मुसलमानों को चेयरमैन बनाया गया, बाद में बनाया गया महमूद अली साहब के बाद अगर कोई पहले उदा लिया तो वाहिद महमूद
और मैं 2001 से पार्टी में काम कर रहा हूं, आपके सामने आया हूं और आपसे वादा कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं, मैं हमेशा भी हमारे अमीर भाई के साथ रहा। हैदराबाद जब भी आते मैं खुद इनकी गाड़ी में बैठ के फिरते, हम लोग ही फिरते, ऑफिसों को भी हम लोग ही मिलके जाते। मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाल्लाह लड़के इनको वाइस चेयरमैन बनाएंगे, इंशाल्लाह वाइस चेयरमैन बनाएंगे। ये पहला मौका है किसी मुसलमान आपके नारायणपेट से वाइस चेयरमैन बन रहा है, मैं समझता हूँ आज तक नहीं बना होगा। आप कई बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये मौका है, इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। और अल्लाह के फजल करम से आपके वोट 950 वोट है, 950 वोट है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में लाठी है। आप क्यों अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं? आप क्यों इन लोग क्या कर सकती टीडीपी बोली आज? टीडीपी का एक एमएलए तो भी है अपने एरिया में, एक एमएलए मिसाल दीजिए, एक एमएलए तो भी टीडीपी का। कांग्रेस तो आपस में इंतजार में मुब्तिला है, उनका ने खायद नहीं है स्टेट में। कौन उन्हें रेवंत रेड्डी अपनी बात करता, उत्तम कुमार रेड्डी अपनी बात करता, वो दो नलगुंडे के दोनों भाया है वो रेड्डिया दोनों भी उन्हें अपनी बात करते, उनका खियादत नहीं है। हमारे पास केसीआर साहब जैसी खियादत है, मजबूत खियादत, जो एक सियासी तौर पे चाणक्य कहलाते हैं, उनके बेटे की भी सलाहियतें देखिए आप, केटीआर साहब की सलाहियतें भी देखिए। एक मौका है और हालात देखिए, कांग्रेस तो आने वाली नहीं है, कांग्रेस और तेलुगु देशम ये बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। ये मिसाल आपको मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन की भी दे देता हूं। निजामबाद में मधुयाक्षी गौड़ कांग्रेस का एमपी कैंडिडेट कविता मैडम को हराने के लिए खुलेआम तौर पर प्रेस मीट में यह कह रहा है कि बीजेपी गोड़ डाली है। कांग्रेस जीतने की ताकत खत्म हो गई कांग्रेस में, अब कांग्रेस सिर्फ पीछे के दरवाजे से, पीछे की दरवाजे से जाफरानी परसम की सपोर्ट कर रही है। आप इस बात को देख लीजिए, बता दीजिए कांग्रेस में कहां ताकत है। आपके एरिया का भी कांग्रेस का कैंडिडेट देख लीजिए, क्या उसमें ताकत है अमीरुद्दीन साहब का मुकाबला करने की? सिर्फ उन्हें मैदान में इसलिए आया बीजेपी की सपोर्ट करने के लिए, बीजेपी से पैसे लेकर बीजेपी का एजेंट बनकर आपके उसमें मीर सादक मीर जाफर जैसी औलाद बनकर आ रहा है, हमें आपस में मुंतशिर करने के लिए आ रहा है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे 50 आते हैं आज से नहीं, जमाने रसूल से हमने देखा है, कई आते हैं और कई जाते हैं। ये हमारा मुकाबला करना, ये दस तो दस्त सहरा भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, ये मिसालें कई आते रहे और कई होते रहे, हमें डरने और घबराने की कोई जरूरत नहीं। और आपको खुलेआम तौर पर ये कह दूं, मेरे बहनों से मेरे बुजुर्गों से अगर आपकी दुआ हो, अमीर भाई के सर पे आपका हाथ हो, तो इंशाल्लाह इस बल्दिया में वाइस चेयरमैन बन के रहेंगे, इंशाल्लाह हम सब बना करेंगे, वादा करेंगे आप बनाएंगे, हाथ उठाकर जवाब दीजिए इंशाल्लाह। मेरी बहनें भी यहाँ मौजूद है, और एक बात आपसे जबरदस्त गुजारिश कर रहा हूं, घर में आप आज को पूरी तैयारी कीजिए वोट डालने की, वोटिंग के दिन पहली प्रवेश में मैं पका के जाऊंगी या घर का पूरा काम करके जाऊंगी।